जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो में, क्योंकि विश्वविद्यालय की तरफ से एक संकेत दिया गया है कि विश्वविद्यालय बीएड की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कब कराएंगे। मैं आपको वो न्यूज दिखाऊंगा, वो आर्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सबने अपना बीएड का परीक्षा फॉर्म भर लिया होगा, कोई असुविधा नहीं है। अगर कोई असुविधा होती है तो डेफिनेटली आप पूछिएगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा। चलिए बीएड के फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे, कि पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है और किस आधार पे हम कह रहे हैं कि परीक्षाएं जल्द हो सकती हैं और संकेत क्या है, न्यूज़ क्या है अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम से संबंधित। तो देख सकते हैं अवध विश्वविद्यालय बीएड एमएड में ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये हेडिंग है कि ऑब्वियसली बात है कि बीएड और एमएड की एग्जाम फॉर्म के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इस पूरे खबर को देखिए और यहीं पे आपको दिखाई देगा, साफ देख सकते हैं आप कि यहां से मीडिया प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र चतुर्वेदी जी ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं और 20 जुलाई के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। जी हाँ, 17 तक आपके फॉर्म भरने हैं, 19 तक इसकी प्रक्रिया चलेगी, अगले दिन 20 तारीख के बाद से, हो सकता है 21, 22 या 25 से पहले आपके एग्जाम डेट, यहाँ पे एग्जाम डेट आपके क्या कर दिए जाएंगे भाई, रिलीज कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से संचालन हो रही है और बहुत सही समय पर संचालन हो रही है। अब आइए जरा पूरी खबर को पढ़ लेते हैं ताकि और चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखिए खबर क्या है दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड की ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब पूरे खबर को देख लेते हैं कि अवध विश्वविद्यालय ने बीएड एवं एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म शुल्क 17 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और आज है दोस्तों 14 तारीख, यानी कि हमारे पास 3 दिन का और समय है। क्या कोई असुविधा हो रही है? नहीं हो रही होगी, मैं आशा करता हूँ आप फॉर्म भर दीजिए। अगर किसी को इन्वॉल्वमेंट नंबर से संबंधित समस्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको करना क्या है। परीक्षा नियंत्रक उमानाथ जी की ओर से इस आशय पर पत्र जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि सभी महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आवेदन पत्रों की जांच 18 जुलाई तक करते हुए अभ्यर्थियों की सूची 19 जुलाई तक परीक्षा विभाग में जमा करा दिए जाए ताकि परीक्षा की तिथि घोषित की जा सके। देखिए साफ तौर पे है, बहुत ही सही तरीके से काम किया जा रहा है, परीक्षा की तिथि जल्दी घोषित की जाए ताकि परीक्षाएं समय समय पर सही समय पर कराया जाए। विश्वविद्यालय बहुत ही इस मामले में सतर्क है, बहुत इस मामले में एक्टिव है। तो अवध विश्वविद्यालय के संबंध बीएड कॉलेजों की संख्या करीब 257 है, मतलब 257 महाविद्यालय हैं जिनमें 25,000 बीएड छात्र हैं। जी हाँ, 25,000 काफ़ी बड़ी संख्या है और बहुत कम लोग हमसे जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। अगर आप लोग बीएड के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एक अच्छी टीम बनाइए, एक साथ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे परीक्षा मीडिया प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं, 20 जुलाई के बाद परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी, तो बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दे। एक छोटा सा न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि 62 लोगों ने छोड़ी बीएड और एमएड की बैक पेपर परीक्षा। 10 तारीख को जो बैक पेपर की परीक्षा थी उसमें से 62 लोग एबसेंट रहे हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। और एक और खबर ये है दोस्तों कि जो 10 तारीख को बैक पेपर की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है 13 तारीख को, केवल 3 दिनों के अंदर ही। देख रहे हैं आप विश्वविद्यालय किस स्तर से काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। 10 को एग्जाम हुआ, 13 को रिजल्ट घोषित कर दिया। अच्छा, एक और चीज जान जाइए, अगर विश्वविद्यालय अगस्त में परीक्षाएं कराता है ना, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बहुत जल्द आपका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो अब बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास कि आप उसको समय को खराब करें, पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई में जुड़ जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्रेशर हैं, जैसे कि आपके बीएड के एग्जाम्स हैं, सीटेट का एग्जाम है, अगर आपने बिहार के लिए आवेदन किया तो बिहार का एग्जाम है। मगर यही तो मजा है भाई जीवन में, तो यही मजा है ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। खैर, तो मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, बाकी अपने समय को नहीं गंवाएंगे। आइए जरा इस खबर को भी देख लेते हैं। आइए जरा इस खबर को भी देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा है। अवध विश्वविद्यालय की बीएड एवं एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा सोमवार को 2 पालियों में विश्वविद्यालय परिसर में हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के निर्देश के परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने दीक्षा भवन केंद्र का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की व्यवस्था को परखा। दोनों पालियों में हुए बीएड एवं एमएड बैक पेपर में 843 में से 62 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। प्रथम पाली की परीक्षा में 452 में से 38 एवं द्वितीय में 391 में से 24 परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देने आए। दोनों पालियों में परीक्षा
समझ तलाश हुई थी। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सारे बच्चे जो एबसेंट रह गए उन्हें अब तो अगले साल मौका मिलेगा, उन्हें फिर एक्स स्टूडेंट के तौर पे परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा, बैक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उन्हें मौका मिलेगा। तो ये थी पूरी खबर दोस्तों, 20 तारीख के तुरंत बाद से आपकी परीक्षा तिथि यानी कि डेट स्कीम रिलीज की जा सकती है। बहुत ही जल्द परीक्षा कराने के मूड में विश्वविद्यालय, और ये सही भी है आपके लिए, ये सही भी है आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका सत्र सही समय पर शुरू होगा तो सही समय पर समाप्त भी हो जाएगा। तो ये दो खबर थी, पहली खबर थी बीएड और एमएड की बैक पेपर जो हुई थी ना, ये वाली बैक पेपर, उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, और विश्वविद्यालय 20 के बाद जल्द ही आपके डेट स्कीम जारी कर देगा। और अब बात कर लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं आपके एग्जाम फॉर्म की। तो बीएड फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी उनको फॉर्म भरने में, बीएड फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे ने फॉर्म भर लिया होगा। अब बीएड सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, बीएड सेकेंड ईयर में वो बच्चे जिनका बैक पेपर लग गया था, फॉर्म नहीं खुल रहा था, वो अब फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी संकोच के। बीएड सेकेंड ईयर के वो बच्चे हैं जो कि यूआई एनरोलमेंट नंबर के लिए परेशान थे, तो देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपका विश्वविद्यालय सेम है तो आप उसी विश्वविद्यालय के इनरोलमेंट नंबर को आपकी ग्रेजुएशन वाला भर दीजिए, इसमें बिना किसी संकोच के। दूसरी बात, कल कुछ लोग विश्वविद्यालय गए थे और उन्होंने यूआई इनरोलमेंट नंबर का फॉर्म भरा था, मैम को जमा किया था, सेम डेट में उनको इनरोलमेंट नंबर मिल गया था। ये मैं खुद उनसे बात हुई थी, खुद वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत जानने वाले हैं, एक ही दिन में उनको इनरोलमेंट नंबर मिल गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर जो बच्चे विश्वविद्यालय नहीं आ रहे हैं वो इनरोलमेंट के लिए परेशान ना हो, अगर वो आ सकते हैं तो इनरोलमेंट नंबर ले जाएं, अगर वो बिना इनरोलमेंट नंबर के भी परीक्षा फॉर्म भर देंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जब डिग्री लेना होगा, जब उनको डिग्री आवेदन करना होगा बीएड का, तब उनको इनरोलमेंट नंबर दोबारा लेके आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो देखिए बिना एनरोलमेंट नंबर के भरेंगे तो ऐसा नहीं कि परीक्षा रिजल्ट वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगी आपकी मार्कशीट, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिग्री निकालने के लिए आपको विश्वविद्यालय से डिग्री निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इनरोलमेंट नंबर चाहिए, और डिग्री की बहुत हद तक जरूरत नहीं पड़ती, कोई विशेष एग्जाम्स या भर्ती में अगर आपसे बीएड की डिग्री मांगता है तब देना, वास्तव में बीएड सेकेंड ईयर के मार्कशीट पे आपके फर्स्ट ईयर दोनों के अंक वहाँ पे निर्धारित होते हैं। तो इतना घबराइए मत, अगर आपके पास माइग्रेशन है दूसरे विश्वविद्यालय के हैं और आप विश्वविद्यालय जा सकते हैं तो चले जाइए, चले जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, और अगर नहीं जा सकते हैं तो इतना परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही फॉर्म भर दीजिए। बहुत हद तक आप यकीन माने, मुझे लगता है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 80% अच्छा एक और चीज़ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्होंने फोर्स किया है, मैं बच्चों क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप पहले परेशान हो जाएं, आप अभी परेशान हो जाएं, आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर आपके मार्कशीट पे आ जाए, बाद में आपको ना परेशान होना पड़े, क्योंकि एक बार इन्वॉल्वमेंट नंबर मार्कशीट पे आ जाएगा फिर निश्चिंत आपको हमेशा हमेशा वो याद रहेगा, आप जब चाहे अपनी डिग्री निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डिग्री के लिए एक बार और फिर से जाना ही पड़ जाएगा विश्वविद्यालय। तो बहुत ऐसे महाविद्यालय हैं जो बच्चों से ऐसे ही फॉर्म भरा देते हैं कि चलो बिना एनरोलमेंट के भर लो, बिना एनरोलमेंट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब डिग्री की बात होगी तो परेशान होना पड़ेगा। और यही बात कल मैडम ने भी कहा था, जो बच्चे गए थे विश्वविद्यालय में उनसे यही कहा गया था कि तुम लोगों ने अच्छा किया कि क्योंकि रिजल्ट से पहले आप इन्वॉल्वमेंट नंबर ले लेंगे, यूनिवर्सिटी में डेटा फीड हो जाएगा तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस पर मिल के आ जाएगा। तो बाकी परेशान मत होइए, ठीक है, समझ में आ रही बात, परेशान नहीं हो, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बिना इन्वॉल्वमेंट नंबर के फॉर्म भर दीजिए, कोई गलती नहीं, मार्कशीट में कोई कमी नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप चले जाके इन्वॉल्वमेंट नंबर ले लेते हैं, वहाँ डाल देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, चिंता खत्म, टेंशन फ्री। चलिए अब आपको क्या करना है, जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं लगेगा, जो एक हफ्ते पहले हमें एग्जाम्स की टेंशन नहीं थी कि कब होगा, हम बस ये सोच रहे थे कि कब होगा, और आप यकीन माने आपको पता भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 दिनों में आपके एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा पूरा एग्जाम। तो बिना किसी देरी के दोस्तों पर तैयारी में जुट जाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, मैं खुद क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैराथन देख लीजिए, मैराथन देख लेंगे, काम हो जाएगा आपका, रिजल्ट खराब नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है, रिजल्ट आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जरा अपने दोस्तों को छोड़िए ना, ठीक है ना, विश्वविद्यालय में 25,000 बच्चे हैं और मेरे पास अभी इतने ही हैं, कहाँ हैं आप लोग, आइए जल्दी आइए। सो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, वेट करूँगा आपके ज्वाइन होने का, तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मैराथन देखिए, मेरी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।